हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहे किड्स लर्निंग। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गणतंत्र दिवस पर भाषण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषण के स्टार्ट यहाँ पे हम शायरी के साथ करेंगे। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। खुशनसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के महान अवसर के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। आज 26 जनवरी को हम अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व हर भारतवासी के लिए सम्मान और गौरव का पर्व है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, पर आजादी के बाद हमारे देश में किसी भी प्रकार का कानून या नियम देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। भारत देश एक लोकतांत्रिक और पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। हमारे भारत देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। देश उनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के विकास में सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।